अस्सलामु अलैकुम। क्या आप इस तरीके से ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है कि कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट को, तो क्या आप इस तरीके का चाहते हैं कि आप अपने जब भी आप किसी को टेक्स्ट लिखें इंस्टाग्राम के मैसेज में, यानी इंस्टाग्राम पे जब आप किसी को मैसेज करते हैं, किसी से चैट करते हैं, तो आप वहाँ पे चाहेंगे कि ये जो आपका जो भी आप लिख रहे हैं ना वो एकदम स्टाइलिश वे में जाए जिस तरीके से अभी नज़र आ रहा है, तो क्या आप ये चाहते हैं? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो मैं हूँ अब्दुलरहमान जी, वेलकम टू अब्दुलरहमान जी यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए, तो आप जाहिर सी बात आप लॉगिन होंगे। तो अभी आपको करना क्या है, आपको अपने उस मैसेज यानी जिनको आप मैसेज कर रहे हो वहाँ पर आपको जाना है, और उसके अंदर में जाकर के कैसे टाइप करना है और किस तरीके से उसको लेकर कहना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, और ध्यान रहे ये काम जो है सिर्फ पर्सनल अकाउंट, यानी आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे एक बिज़नेस अकाउंट है, ये मेरा क्या है, ये एक बिज़नेस अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तरह तरह का डिज़ाइन टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को डिज़ाइन में बना करके भेजना, ये आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से अब्दुलरहमान जी सर्च कर लेता हूँ, अब्दुलरहमान जी शेख, और यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इनको मैसेज करूँगा। एक मिनट, मैसेज में गया और यहाँ पर मैं इनको टाइप करूँगा, लाइक मैं क्या करता हूँ कुछ भी टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसके ज़रिए मैं इस तरीके का टेक्स्ट जो है बना करके भेजूँ, जो कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो इस तरीके का टेक्स्ट बना करके भेजने के लिए मुझे अपने नॉर्मल अकाउंट में जाना होगा। देखिए जैसे मैंने उस नॉर्मल अकाउंट से यहाँ पर शेयर कर रखा है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं नॉर्मल अकाउंट में जाता हूँ। नॉर्मल अकाउंट में जाने के लिए मैं सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं नॉर्मल अकाउंट में चले जाता हूँ अब्दुलरहमान जी शेख, और यहाँ से यहाँ पर आकर के मैं क्या करूँगा, मैसेज करूँगा। सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ अब्दुलरहमान को, मैं किसी को भी, आप अपने नॉर्मल अकाउंट से किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली मैसेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं मैसेज करना शुरू कर दूँगा, लाइक सब्सक्राइब, और उसके बाद में जैसे आप कोई भी टेक्स्ट, पहले आपको टेक्स्ट टाइप कर लेना होगा, तो कोई भी आप टेक्स्ट टाइप कीजिएगा, तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे आपने टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा सर्च का, ये आइकन जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था बिज़नेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये नॉर्मल अकाउंट में नज़र आ रहा, तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप इस सर्च वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो अभी आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे, जैसा भी चाहिए यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सिंपली आप यहाँ पे जैसे सब्सक्राइब, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, उसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो जैसे आपने उसके ऊपर में क्लिक किया तो ये पोस्ट जो है यहाँ पे चले गया। सो इसी तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको लिख दीजिए, उसके बाद में आप इस सर्च वाला आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो चले जाएगा। फिर से आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए शेयर, उसके बाद में मतलब जो भी टाइप करना है आपको यहाँ पे टाइप कर दीजिए, उसके बाद में ये सर्च वाला आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट जो है वो चले जाएगा, और मैं जैसे ही उस मैसेज पे यानी जो भी उस मैसेज पे क्लिक करेगा देखेगा तो वो यहाँ पे आपके मैसेज को देख पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उस प्रोफाइल पे मुझे जैसे मैसेज आया यहाँ पे मुझे नज़र आने लगेगा सारा का सारा। ओके आई विल। सो इस तरीके से आप यहाँ पे जिनको भी जो भी मैसेज भेजना चाहे आप सिंपली वो मैसेज यहाँ पे टाइप कर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम मैंने टाइप किया, सिंपली आप सर्च वाला आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं से गिफ्ट, जैसे मैं गिफ्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ तो गिफ्ट वाला चले गया। इसके ऊपर में जैसे वो क्लिक करेंगे, अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल को मैसेज किया, तो अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल जैसे इसको देखेंगे तो वो जैसे इसके ऊपर में आएंगे यानी मेरे प्रोफाइल पर आएंगे वो, और यहाँ पर आने के बाद में वो क्या करेंगे, मैसेज में जा करके मुझे मेरा मैसेज देखेंगे, तो सिंपली उसको क्या करना होगा, गिफ्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे गिफ्ट पर क्लिक करेंगे वो शेयर, गिफ्ट क्लिक करेंगे अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरीके से आप स्टाइलिश वे में आप अपने मैसेज को जो है डिलीवर कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको, जाहिर सी बात है, उनको आप इस तरीके से आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने स्टाइल को शो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपने मीन्स आप अपने मैसेजेस को कैसे स्टाइलिश वे में आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से जो फोटो वाला था, फोटो जो है वो आप कैसे शेयर कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, यस वालेकुम अस्सलाम,
आपने शेयर किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, जैसे मैंने अब्दुलरहमान जी शेख पर क्लिक किया, यानी आपका नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए, तब बिना नॉर्मल अकाउंट का ये काम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, वो जो आपको करना क्या है, सिंपली सी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। क्या ऑप्शन नज़र आ रहा है? ये अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके का, ये आइकन नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो इस आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा सेल्फी का। सिंपली आप सेल्फी पे क्लिक कीजिए। सेल्फी पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये जो है आपका फ्रंट कैमरा ऑन कर देगा, और उसके बाद में आपको बोलेगा कि आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक ये देखिए, फ्रंट कैमरा जो है ऑन कर दिया। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे बताएगा कि आपको वो जो इमोजी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये लव वाला इमोजी जो है इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आप जिस तरीके से भी एक्शन करना चाहते हैं थोड़ा सा एक्शन कर लीजिए, ताकि वो GIF फॉर्मेट में बन जाए। सिंपली आपको ये जो इन्फिनिटी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इन्फिनिटी वाला जो बटन नज़र आ रहा है, सिंपली आपको करना क्या है, इन्फिनिटी पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही इन्फिनिटी पे क्लिक कीजिएगा, तो ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में वो जो आपका जो भी आपने पोस्ट, जो भी स्टिकर आपने बनाया, सेल्फी स्टिकर, वो आपको कुछ इस तरीके से बताने लगेगा। जो भी स्टिकर आपने बनाया वो इस तरीके से बताने लगेगा। आप इसको चाहे तो रीटेक कर सकते हैं, रीटेक पे क्लिक करके आप यहाँ से फिर से आप बना सकते हैं इसको। इसमें क्या करता हूँ, फिर से कोई और ले देता हूँ ऑप्शन, रोने वाला चाहे तो आप रोने ले लूँ, रोने वाला बना सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। आग वाला चाहे तो आग वाला बना सकते हैं, जो भी चाहिए, हंसने वाला चाहे तो हंसने वाला बना सकते हैं, यानी जो भी इमोजी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आप वहाँ पे ये बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लव वाला जो है वो मैं इमोजी यहाँ पे ले लेता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लव वाला इमोजी है मैं लव वाला इमोजी ले लूँगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक सेल्फी स्टिकर बना करके और उसको आप इस तरीके से शेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जो आपको एरो वाला नज़र आ रहा बटन, आप इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये जो आपका इमोजी है ये जो शेयर हो जाएगा जिनके साथ में भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने फोटो का जो है वो इमोजी आप बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में भी, और किस तरीके से आप स्टाइलिश वे में टेक्स्ट जो है वो मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी पर्सनली भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से स्टाइलिश वे में मैसेजेस को जो है किसी को भेजते हैं, और किस तरीके से स्टाइलिश वे में सेल्फी स्टिकर बना करके और अच्छा सा इमोजी लगा करके कैसे आप उसको किसी को भेज सकते हैं। अगर इसके अंदर में कोई भी डाउट हो, या फिर आप चाहते हैं कि किसी अदर टॉपिक पे बनाना, किसी अदर कोई और टिप्स चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ पे DM कर सकते हैं डायरेक्टली, और मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर आपको क्या इशू हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी सोल्यूशन चाहिए, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको आना है इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना है और यहाँ पे मुझे DM करना है। मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दे दूँगा बहुत जल्द, एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।